हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो सैंडविच। इसमें मैं दो पोटैटो ली हूँ जिसे मैश करके उसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाली। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नमक। नमक मैं थोड़ा कम डालूँगी क्योंकि चीज़ बनने वाला है। उसके बाद जाने वाला है ब्लैक पेपर पाउडर, जिसे मैंने अच्छे से मैश करके रखा है। थोड़ा सा, क्योंकि ये बच्चे खाने वाले हैं इसलिए मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ ऑरिगैनो। देखिए, ये एक छोटे से पैकेट में आता है, इसे भी आप डाल सकते हैं। जितना मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है उसी हिसाब से ऑरिगैनो भी उतना ही डालना है आपको। अब इसे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करना है। इसके बाद मैं आपको जब सैंडविच में ब्रेड में इसे डेकोरेट करूंगी फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा मैंने फर्स्ट पार्ट में सैंडविच का स्टफिंग बनाया। अभी मैं इसको थोड़ा सा गर्म हल्का सा बटर लगा के सेक लूँगी, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि बाद में ये फिर स्टफिंग के साथ चिपकने वाला है। गाइस, जैसे कि आपने देखा था सेकंड पार्ट में मम्मी ने हमारे लिए बनाया था सैंडविच, तो चलो अब हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। चलो, दिखने में तो बहुत ज़्यादा चीज़ी है ये, चलो टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको। वाओ गाइस, बहुत टेस्टी है, बहुत। अगर घर पे ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।